बहुत बहुत स्वागत है आप रो इतने दूर चला है नया। हैप्पी बर्थडे टू तभी। दोस्तों राम राम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग हैं जोधपुर के अंदर और अब यहाँ से जाएंगे। उससे पहले आज ही 7 तारीख है, हम 7 मई को, और सिया का बर्थडे आ गया, 6 साल की आज सिया जो रही है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अब इसको नई ड्रेस दिलाएंगे आज और इसको एक गिफ्ट दिलाएंगे शिवन्या को। हम लोग जो इसका बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ करेंगे अभी हमें खुद नहीं पता है। बहुत दिनों बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ, नई सड़क। अभी मार्केट आ गया तो मैं और सिया दो जाएंगे, सिया के कपड़े लेके आएंगे। शिवन्या सो रही है तो सिया के पापा गाड़ी में ही रहेंगे। लेकिन ये कुर्सी मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, ये थोड़ा राजस्थानी टाइप का है और गर्मियों के हिसाब से भी अच्छा है, तो सिया के लिए एक जोड़ी तो यही ले रही है। ये पूरी दुकान है, सारी वेरायटी की जुती है, तो सिया की भी जुती ले रहे हैं। ब्लैक अच्छी लगे। अच्छा, ब्लैक अच्छी लगे। ये मल्टी कलर है तो सब ड्रेस पे चल जाएगी। पतला पतला नीचे ये लगा हुआ है। जोधपुर आए हैं तो जोधपुर से मैंने ओढ़नी ली है, बीकानेर की तो हम हमेशा लेते ही है। सीएन फिरा को सिर्फ लेके ले आई हो क्या? नौकरी करते हैं। अच्छा, और आपका क्या? मैं यूट्यूब चैनल में घर से 3-4 साल पहले से देखता हूँ इनका। देखकर मैं मम्मी से हमेशा बोलते मम्मी देख राजस्थान की महिला भी कितनी ऊंची और कितने अच्छे तरीके से बोल पा रही है ये। अच्छा आप ये बताइए, ब्यूटी पार्लर कहाँ है नजदीक? अब नाम तो खुद भी नहीं आई जोधपुर में। आप बीकानेर के हो गए? अच्छा, छोटी सब आप देख रहे थे ना, तब से मैं देख रही हूँ। बड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा, ऐसे घूमने शॉपिंग करने एग्जाम और शॉपिंग। हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आते हैं। हमारे यहाँ तो बाहर में जसना धाम वगैरह बहुत अच्छे देखने की जगह है। जसना जी निकलते ही है बाहर इस साइड में, तो गए थे वहाँ पे तुम लोग। ये जोधपुर का मेन मार्केट है, नई सड़क और सामने मेरे है घंटा घर। शॉपिंग वगैरह जितनी कर ली। हाँ, शॉपिंग वगैरह मतलब शॉपिंग चलती रहती है हमेशा। नहीं, जिस बार हम आए थे ना, उस बार करते थे ना, उस टाइम आए थे ना, तब हम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं घूमे। आज ही घूमी हूँ मैं जोधपुर के मार्केट में। आजकल भीड़ ज्यादा रहने लग गई है ऐसा लग रहा है। नहीं, शादियों का सीजन है नहीं, तो जबरदस्त जबरदस्त। और इस घंटा घर के पास में से यहाँ से सीधा ऊपर की साइड में दिखता है मेहरानगढ़, तो वहाँ के लिए पैदल रास्ता भी है, उस रास्ते से भी हम लोग आए हुए हैं। तो बेलन जाऊँ प्रोग्राम देख गाजर वाला प्रोग्राम भी देख रहा। गाजर अपने यहाँ गंगानगर में देखी है, ऊटी की, तमिलनाडु ऊटी वाली ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर की छोटी छोटी खेत के अंदर निकाल लेते हैं ऊटी के अंदर। ऊटी नाम हेम सिंह है, यहाँ हमारा काम भी गाजर के। बहुत गाजर होती है, 300 गाड़ी रोज रोड होती है। पर वैसी नहीं होती इधर क्या? वैसे लाल वाली, लाल अपने इधर लाल होती है। चलो सब ये मुझे कई बार बोल दिया कि डोनट दिलाओ, डोनट दिलाओ। मुझे क्या पता डोनट क्या होता है। ये डोनट, एक डोनट दे दो भाई। जोधपुर से बाहर निकल गए और हम लोग आगे जा रहे हैं भोपालगढ़ की तरफ। भाई साहब खदान है पूरी नीचे, इतनी बड़ी बड़ी पातरी है कीकर की, बबूल का ये जो पेड़ होता है ना, ये खाने में बड़ी स्वाद होती है। कुछ लोग शायद इसकी सब्जी भी बनाते हैं। डाउट डाउट क्यों? डोंट बच्चों को तो ऐसे ही मजा आता है खुले के अंदर ऐसे बैठ के। हैं शिवन्या, पूरा मुंह दाब के खा लूं। तो बस ये बेटा केक खाने से बहुत पसंद लग गया। अरे मसिया बेटा, अब हम लोग आ गए भोपालगढ़। यहाँ पर क्या है कि हम मिलेंगे कौशल्या जी से, वो अपने गांव में है, ये उनका गांव है। इससे पहले हमारी बातचीत तो काफी बार हुई है फोन के ऊपर, लेकिन मिलना इससे पहले कभी नहीं हुआ। माथे बिंदी लगा लेते तारे नहीं तो। आते टाइम रास्ते में हम लोग जो मिठाई वगैरह भी लेके आ गए जोधपुर से, जन्मदिन यहीं पे मना लेंगे सबके साथ में। अभी हम पहुंच गए, बहुत बहुत स्वागत है आप रो इतने दूर चला है नया। शादी होगी? हाँ शादी आज का, सब आई आज, सब आने उड़ गई, बाया नहीं कर दी। अब फिर ही जा, अब आप स्वागत में जा। अच्छा कैसा बेटा? राम राम। ये क्या आंधी की वजह से हो गया नीचे? और बस आप
और एक छोटी सी जीजी बीकानेर से आई आपके साथ खेलने के लिए छोटा है नहीं कोई दिक्कत नहीं। वीरेंद्र जी आप हैं कौशल्या जी के हस्बैंड और ये इनका गांव है आप। आपको धन्यवाद साफा पहनाने के लिए। सिया का बर्थडे है और आज हम लोग जो कौशल्या जी और उनकी फैमिली के साथ में गांव के अंदर मना रहे हैं। इतना अच्छा अवसर मिला है। दीपक जलाकर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। थैंक यू। भगवान आपको निरोगी रखे। थैंक यू। बड़े होकर मम्मी पापा का नाम रोशन करो दीवार पे। मिठाई भी है लेकिन आपको हम गुड़ खिलाते हैं। नहीं खाना थोड़ा सोडा सा खा ले। हमें तो आता नहीं। मंत्र ये है हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके इस तरह से आपने अभी तक जन्मदिन मनाया या नहीं मनाया? कई बार ही मनाया लड्डू वगैरह से सीधा। यही होता है। ये खिला रहे भरत आपको खिला रहे। थूका मैं खाऊं थोड़ा सा पापा नहीं खिला पापा नुमाइंग ले बस थोड़ा सा नहीं अरे मेरा दो आप थोड़ी दे रहे ये लो अरे थैंक यू ये बर्थडे तो महंगा पड़ गया। आपका गांव कौन सा? यही आपके ये मेरे देरा नहीं ये भी देरा नहीं। अच्छा आपके दोनों नंदे हैं। अच्छा आपके ससुर जी कितने भाई हैं? तीन भाई हैं वो बीच वाले के ससुर जी। अच्छा अरे खुश रहो बेल का तो भगवान। बहुत अच्छा परिवार है आपका और गांव का माहौल बहुत अच्छा है और जो ये इलाका है एरिया जो है ये एकदम प्योर मारवाड़ है। प्योर मारवाड़ है शांति है। ये जो कोई पहनावा है ना वो भी इधर ही है लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि दूसरे राज्य लग गए ना पास में या तो सूट या साड़ी मिक्स है। पूरे गांव में नहीं मिले इधर नहीं है ना साड़ी वाले इधर साड़ी अभी तक नहीं पहनते तभी मुझे मैं पहले से मेरे दोस्त वगैरह बिलाड़ा मीर सब जगह आता हूँ तो ये चीज देखता हूँ। और जो जेंट्स है बुजुर्ग है वो भी धोती कुर्ता साफा इधर ज्यादा है। आज तो हमारी यहाँ आते ही थे इसलिए सब चला के पहन रहे। वीरेंद्र जी के पापा जी तो आपका बस्तीराम जी नाम है जी। शादी का प्रोग्राम अभी फिनिश हुआ है अभी ये बखेड़ा ये अच्छा इधर उधर इसको समेटना है वापस समेटना है। दादी जी राम 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 मेरे माता जी है आपके माता जी कितना साल का होते 80 अपन अभी जा कहाँ रहे हैं? ये पहाड़ है इनके लिए आ गए इनके गांव में। हमारे गांव का मंदिर है यहाँ पे एक आपके गांव का आपके ससुराल का सुजाना जी महाराज का सुजाना जी महाराज का ये तो आगे लिखा हुआ है ये मतलब समाधि तो हमारे गांव में ले रखी है मंदिर वहाँ बना हुआ है लेकिन यहाँ माला तपस्या की थी तपस्या करी थी इस पहाड़ी के ऊपर। अभी हमारे जो गांव के जो युवा है उन्होंने यहाँ जो बंजर जमीन है वहाँ पर पौधारोपण किया है कुछ हरियाली हो जाए इधर उधर सब जगह मतलब ना। अच्छा इस साइड में भाकर बोलते हैं अभी याद है तेरे याद है भाकर है हम लोग पहाड़ी बोलते हैं क्योंकि है ही नहीं हमारी साइड पहाड़ी नहीं है। मैं ही अनाज महाराज बकरा लाई हुई जगह जिस एरिया में पहाड़ होते हैं वहाँ बोलते हैं हमारे बोलते नहीं। हाँ मार द्वार तो खंडा भी निकला है मकान मकान बने और सब आठ खंडा जाई जान बने के मुझे मारो अबे है। इसको तमिल भी आती है बेटा तमिल में बताइए तमिल। हाँ पूरी भरी जुड़ी अच्छा लगे एरियो दिख रही है पूरा गाँव दूसरा गाँव दिखाई दे रहा है सुजाना जी महाराज हमारे मतलब गांव में फेमस है ऐसे के मतलब पूरी कौन सा सुजाना जी महाराज वाला
एक बार क्या हुआ था, एक कोई लेडीज के 7-8 साल का लड़का था, वो खत्म हो गया था। तो उसको इतना विश्वास था कि सुजाना जी महाराज मेरे लड़के को कुछ नहीं होने देंगे। लोगों ने बोला ये तो खत्म हो गया, तो वो गांव में लेके आई वो महिला और लाके सुजाना जी महाराज के गांव में जो मंदिर है वहाँ सुला दिया गया कि भगवान आप जानो और लड़को जाना गया। वो जिंदा हो गया, वो जिंदा अभी, मतलब 8-10 साल पहले की बात है। 8-10 साल पहले? हाँ। इनके घर शादी नहीं थी, शादी कहीं अभी और काको जी उनके थी गांव में, वो सामने रहते हमारे ज्यादा अभी जी बेटा चेंज जा लो तो जी बजा अब बैकग्राउंड में बजा रही।